ये देखिए दोस्तों, ये जांडवाड़ा बागड़ का चार वाला माइनर है। ये चार दिन से लगातार टूट रहा है। प्रशासन को बार बार गुहार लगा चुके हैं और फिर भी बार बार ये टूट रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों का फसल का बड़ा, नरमे की फसल का बड़ा उचित टाइम है पानी देने का, और ये माइनर बार बार टूटने के बावजूद इसे लंबे टाइम तक बांधा भी नहीं जाता है। ये कल शाम का टूटा हुआ है और अभी तक कोई भी प्रशासन नहीं पहुंचा है, और प्रशासन बड़े लंबे टाइम तक इसकी किसी प्रकार से कोई सुध नहीं ले रहे हैं। और किसानों का जो अमूल्य जल है, जो फसलों के लिए बड़ा उचित है, वो वैसे ही बर्बाद हो रहा है और प्रशासन इसका ध्यान नहीं दे रहा है। और अवगत भी करवा दिया जाता है कि हमारा जो रजवाया है या माइनर है, ये बार बार टूट जाता है और इसका संज्ञान में लिया जाए, ताकि जो किसानों का समय का जो पानी है, जो फसलों में देने का जो पानी है, वो वैसे ही वेस्टेज में जा रहा है। जब भी किसान पानी के लिए खेत में जाता है तो रजवाया टूटा हुआ मिलता है, किसी प्रकार से कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। तो इसका मैं प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूं कि किसानों का जो जल है वो क्यों बर्बाद किया जा रहा है। जो बड़े समय का जो है, ये जो समय है जो फसलों में पानी देने का, ये बड़ा उचित समय है। और कुछ किसान बिजाई के लिए भी इसका, सरसों की बिजाई के लिए भी उपयोग कर रहे हैं, तो ये बार बार इस पानी का वेस्टेज में जा रहा है। और देखो, एक ही स्थान से बार बार, ये दो दिन पहले कट हुआ है रजवाए में, और आज इसी के पास में ये आगे नेक्स्ट वाला कट हुआ है, तो इसका किसी प्रकार से पूरी रात से लगता है ये इसी में चल रहे हैं और बार बार इसी को सही तरीके से संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है और इसकी पूरी पैरवाई नहीं हो रही है प्रशासन की तरफ से। और किसी प्रकार का कोई भी बेलदार, कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचा है अभी तक, और जब फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन नहीं उठाया जाता है उनके द्वारा। और हम बार बार अवगत करवा रहे हैं कि हमारा जो पानी है जो वेस्टेज में जा रहा है, बार बार कट हो रहा है, इसका संज्ञान लिया जाए, इसका समाधान किया जाए, फिर भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो रहा है। मैं प्रशासन और सरकार से मांग करता हूँ कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि किसानों का जो जल है वो ऐसे बर्बाद न हो और फसलों में उचित समय है पानी देने का, जिससे किसानों की फसलों में फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा अभी देखिए, ये जैसे नरमे की फसल है, इसमें बड़ा उपयुक्त समय है पानी देने का, जिससे इसका उखेड़ा भी रुक जाता है, और ये जो समय होता है पानी देने का, इससे फल है वो अधिक मात्रा में लगता है, और जब तक इसमें पानी नहीं दिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उखेड़ा भी इसमें की जो शिकायत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो फल का जो समय है, जो फल लग रहा है वो भी बग़ैर पानी वेस्टेज में चला जाता है और उससे बड़ा नुकसान होता है किसान को। इसलिए मैं प्रशासन को, सरकार को इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। जब से भी पानी नहर में आता है
तब से ये टूटने के कगार पे लग जाता है और बार बार टूट रहा है। इसका कोई स्थायी समाधान किया जाए और प्रशासन और सिंचाई विभाग इसको अपने संज्ञान में लें ताकि ये बार बार इस प्रकार से पानी जो है वो वेस्टेज में न जाए। और मैं सिंचाई विभाग के एक्शन एसी से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसका कोई स्थायी समाधान और अपने प्रशासन को सतर्क किया जाए ताकि इस प्रकार से हर रोज़ का जब से ये अपने नहर में पानी आया है तब से लेकर हर रोज़ इसी प्रकार से पानी वेस्टेज में जा रहा है, किसी प्रकार से कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो सरकार और प्रशासन इस पे ध्यान दें ताकि इस पानी का उचित प्रयोग किया जा सके। और जब भी प्रशासन से हम बात करते हैं तो प्रशासन किसी प्रकार से कोई भी बात का संज्ञान नहीं ले रहा है और कहता है कि ये कोई शरारत करता है इस प्रकार की। लेकिन देखो, बार बार इस तरीके से एक स्थान से टूट रहा है, पीछे भी टूटा हुआ, फिर यहाँ टूटा हुआ है और काफ़ी किसानों का जो पानी है फसल का वो बर्बाद हो रहा है। और इसका कोई ना कोई समाधान, स्थायी समाधान निकाला जाए। मैं प्रशासन से बार बार अनुरोध करता हूँ कि किसान का जो उचित समय का जो पानी है वो इस प्रकार से बर्बाद न किया जाए और इस प्रकार से इसका कोई स्थायी समाधान निकालें ताकि इसका जो पानी है वेस्टेज में जो जा रहा है वो वेस्टेज में न जाए और जिसकी फसलों में जो पानी जा रहा है उनकी भी नुकसान है और जिनका फसल में नहीं लगता है जो पानी जहां लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है तो उससे भी भारी नुकसान है फसलों में। तो ये किसान की आवाज़ है, किसान की मांग है प्रशासन से कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि किसान अपने खेत में अच्छे से सिंचाई कर सके और उसका फ़ायदा भी उसे मिले ताकि ये बार बार इस प्रकार से वेस्टेज में न जाए। ये जब से नहर आई है, जैसे सोमवार से ये पानी इसमें नहर में आया है, सोमवार से लेके आज नेक्स्ट संडे हो गया है, तो इस पूरे सप्ताह में शायद 2-3 दिन ही ये पूरा सही तरीके से चल पाया है और उसी दौरान बार बार ये टूट जाता है। और जब किसान अपने खेत में जाके पानी के लिए जाता है तो उसे पानी नहीं मिलता और ये पूरी की पूरी रात का पूरी रात से इसी लगता है कट में चल रहे हैं। और प्रशासन से अनुरोध किया जाता है तो किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं होते हैं। और अभी समय देख लीजिए, 7 के करीबन समय हो चुका है, सुबह 7 बज चुके हैं, फिर भी कोई भी यहाँ प्रशासन या बेलदार किसी प्रकार से कोई कर्मचारी अभी तक नहीं पहुंचा है। और उनसे मैं बार बार इसी बात का अनुरोध कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान निकालें और इसे बांधा जाए ताकि किसानों का पानी है जो वेस्टेज में न जाए। देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, काफ़ी लंबा चौड़ा कट हो चुका है इसमें पानी चलने के कारण। और उस जो ग्वार की फसल है इसमें काफ़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है, उधर नरमे की फसल है उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो इसका बड़ा नुकसान है किसानों को भी और जो पानी जिसका जा रहा है उसको भी बड़ा नुकसान है किसान को। तो इसका कोई स्थायी समाधान प्रशासन निकाले। ये जांड वाला बागड़ का जो गांव है इसका जो रकबा लगता है और ये चार वाला माइनर है तो उसी में ये 6-6 के मोगे के पास ये कट हुआ है और इसको जल्दी से जल्दी प्रशासन बांधे ताकि किसानों को उनका पानी मिले और उनके फसलों में लगे ताकि उनको फ़ायदा हो।